आज मैं आपको नाइन्थ डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। नाइन्थ डायमेंशन के बारे का हिट मैंने आपको अनुराग शर्मा जी के वीडियो में बताई थी थोड़ी सी, कि नाइन्थ डायमेंशन जो है वो मेटाफिजिकल है, जहाँ से ब्रह्मनाथ की ओरिजिन होती है एट डायमेंशन की। तो उसके पहले की जो सिचुएशन आती है जहाँ पे वो बिग बैंग होता है और ब्लैक होल जहाँ बनता है, और उस ब्लैक होल का जो क्रिएशन है उसे एक तरह से आप स्टार गेट समझ सकते हैं, एक पोर्टल समझ सकते हैं, जहाँ से हम आपके नए विश्व की नए जो रहते आप आकाश गंगाएं, नए प्लैनेट्स, नई सोलर सिस्टम्स, इनका क्रिएशन वहाँ से होता है, वो है नाइन्थ डायमेंशन। ये एक पोर्टल है जहाँ से आपका रिलैम जो है वो रिलैम जो है वो स्टार्ट होता है। आप जब मेडिटेशन करेंगे, आप कहीं कीजिए, रेड डेली कीजिए, ऐसा नहीं कि पोर्टल खुला है तो उसी दिन आपको उसका फ़ायदा होगा। आपकी वो प्रैक्टिस आपको परफेक्शनिस्ट बनेगी। आप उस डायमेंशन में जाना विदाउट चक्रा के पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपका एक तो भी चक्रा खुलना चाहिए। जब वो चक्रा खुलता है तो एक एनर्जी का स्पार्क होता है, आपकी पूरी बॉडी शेक करती है, आपके दिमागों की नसें जो है वो एक तरह से खुल जाती है। जिस तरह से आप सुबह उठने के बाद जैसे फ्रेश लगता है, उस तरह से एक फ्रेशनेस आपके अंदर आ जाता है। डायमेंशन ट्रैवल करना, उसके लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको जिस तरह का मेडिटेशन के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और उसमें आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर धर्म में हर जाति में किसी न किसी तरह से मेडिटेशन का महत्व दिया गया है। अगर आप जैनिज्म लोगे तो भी महावीर और उनके कई सारे जो अवतार है, उनके 24 तीर्थंकर है, वो आपको मेडिटेशन करते हुए दिखेंगे। आप हिंदू हो तो आपको भगवान शिव देखिए, भगवान विष्णु देखिए, वो दोनों भी मेडिटेशन करते हुए उनकी जो है मजारा करके मूर्त है। आप बुद्धिज्म है तो गौतम बुद्ध तो क्या कहते उसे आपके बोधि स्तूप जो है पेड़, उसके नीचे भी मेडिटेशन करते हैं, उनकी मूर्त है। फिर आप कोई भी लीजिए, आप जीसस लीजिए, उसमें भी हर बार प्रे करने के लिए, या फिर इस्लाम लीजिए, उसमें प्रे करने के लिए बात बताई गई है। तो प्रे करना मतलब आप बंद करके ही मेडिटेशन करना उसका। जिस दिन आप ये करेंगे, जिस दिन आपको व्हाइट लाइट दिखेगी, जिस दिन आप ओरिजिन ऑफ द सोर्स को देखेंगे, वो सोर्स जो है उसका जो लाइट है, लाइट भी किसी से तो भी आता है, तो इसका मतलब वो लाइट यहाँ पे अगर बल्ब लगाते हैं हम तो लाइट आ रहा है तो किसी से तो आ रहा है ना। तो वो जो लाइट आ रहा है, वो जिससे आ रहा है, वो एक ही है, नाम अलग अलग दिए गए। और रही बात हिंदुइज्म में, तो ये सब जो बताए गए हैं, ये अवतार वो अवतार, वो अवतार मतलब भगवान नहीं है, वो अवतार भगवान नहीं है, वो उनका एक स्वरूप है यहाँ पे आया हुआ, हम उसकी पूजा करते हैं। मतलब जो एक्चुअल है, जिसकी मेडिटेशन करते हैं, भगवान शिव करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं, भगवान गौतम बुद्ध करते हैं, भगवान महावीर करते हैं, वो जो है उसके उसको जानना, उस डिवाइन को जानना, ये सब कुछ है। तो इस तरह से नाइन्थ डायमेंशंस तक हम आए हैं, 10th, 11th और आगे की डायमेंशन में बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपकी कुंडली जागरूक करनी पड़ेगी, आपकी अवेकनिंग होगी, तब आप में जाके उस डायमेंशन में जाएंगे। फिर जाएंगे, फिर वहाँ पे सारे डायमेंशन आते हैं, फिर वहाँ पे नरक भी आता है, वहाँ पे स्वर्ग भी आता है, वहाँ पाताल भी आता है, वहाँ भूलोक का 3D भी आता है। तो इसलिए ये जानिए आपका कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगा, जब स्पार्क होगा, तो मेरे ध्यान आपको एक स्पार्क होता है,
ब्रेन में भी स्पार्क होगा, बॉडी में भी स्पार्क होगा, स्पाइन जो है आपका उसमें भी स्पार्क होगा, करंट जैसे दौड़ता है, चक्रा एक ही जन्म में पूरे के पूरे नहीं खुलते। ये गलत फहमी है कि आपके सातों चक्रा एक ही जन्म में खुलते हैं, ऐसे नहीं होता है। जन्मों जन्म लगते हैं तब जाके आपके एक एक कुंडलिनी जागृत होती है, चक्रा जागृत होते हैं, फिर वो नेक्स्ट जन्म में आप जाएंगे तो उसी तरह से कॉन्स्टेंट रखते हुए अगर आप ट्राय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल में खुलता है। सातों चक्रा एक जन्म में नहीं खुलते हैं, ये गलत फहमी है, आप इसको मत समझिए। आपका एक ही चक्रा अगर स्पार्क कर देता है तो आप मेडिटेशन में डायमेंशन ट्रैवल करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ये जो आपको लगता है कि एक चक्रा, ये सात चक्रा रखने चाहिए फिर मैं डायमेंशन में ट्रैवल करूँगा, आपका आखिरी का चक्रा जो है मूलाधार, अगर वो भी जागृत हो जाए तो आपका ब्रेन चक्रा का जरूरत नहीं है। टनल देने का मतलब क्या है? टनल मतलब आप डायमेंशन में ट्रैवल करना स्टार्ट किया है। अगर आपको टनल दिख रहा है, आपको कोई ट्रेन दिख रही है या फिर आपको प्लेन दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि आप उड़ रहे हैं पक्षियों के साथ, अगर आप दिख रहा है आप झरने के साथ गिर रहे हैं, तो जो पांच मूल तत्व है, धरती, वायु, आकाश, अग्नि एंड और एक चौथा, हर बार चौथा चक्र भूल जाता हूँ, पांचवा भूल जाता हूँ मैं, इन पांच तत्वों से जो हम बनते हैं। अगर आप कहीं भी इस चीज़ों को देखते हैं डायमेंशंस में, तो इसका मतलब आप उसमें जा रहे हैं। पर्पल कलर दिखता है, इसका मतलब डायमेंशन स्टार्ट आप स्पार्क कर रहे हैं आपके पास। पर्पल कलर, मोर पंखी रंग, ये जो है ये इंडिकेशन से आप इस बात को समझिए कि आप डायमेंशन में, आपका इसका मतलब आपका कोई तो भी एक चक्रा जागृत हुआ और वो आपको लेके जा रहा है। चक्रा जागृत होना मतलब गाड़ी का स्टार्टिंग प्लग चालू होना, जल तत्व, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, यस सॉरी पांच तत्व, जल वायु आकाश अग्नि एंड पृथ्वी भूमि, इन पांच तत्वों से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें से कोई भी एक आपको दिखता है तो इसका मतलब आपने वो स्पार्क हो गया है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर वो आपको अलग अलग चीजों में लेके जाते रहेगा। मेडिटेशन करते हुए बीच बीच में व्हाइट लाइट आती है, वो व्हाइट लाइट की तरफ ही आप, जितने व्हाइट लाइट आपको धुंधली दिख रही है, इसका मतलब आप उस लाइट से जितना दूर है, इसका मतलब वो जो है परम ब्रह्म, उससे आप उतना दूर है। जितना ब्राइट लाइट आपको नजदीक दिखती है, इसका मतलब आप उसके नजदीक जा रहे हैं, और जितना आप उसके नजदीक जाएंगे उतना आपको सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड को मिलेगा। नीला पीला नहीं आता है, पर्पल कलर इज अ मेन इंडिकेशन, मोर पंखी रंग जिसे कहा जाता है वो मेन इंडिकेशन है। ये जो डायमेंशन है, नाइन डायमेंशन, ये एक तरह से न्यू यूनिवर्स है। एक है विजिबल, हम जहां तक देख सकते हैं, 1 बिलियन लाइट ईयर तक हमारा टेलीस्कोप जो है वो देख सकता है, वो विजिबल यूनिवर्स है। उसके बाहर का जो है वो ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्स कहा जाता है, और उसके बाहर जो है वो मल्टीवर्स है। जब आप उस नाइन डायमेंशन के अंदर जाएंगे, और नाइन डायमेंशन जो है वो अब वो जो होता है स्पार्क ब्लैक होल का, तो वो बोलता है अब मैं जो है स्पार्क कर रहा हूँ, अब मैं नए प्लेटफॉर्म, नए प्लैनेट का और नए यूनिवर्स का, नए सोलर सिस्टम का मैं अब उदय करने वाला हूँ। तो ये जो है ये स्पार्किंग है, ये यूनिवर्स का, नए यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको बिग बैंग कहा जाता है, जिसको सिस्टम जो है बिग बैंग कहती है।